हजारीबाग यातायात पुलिस और डीटीओ के द्वारा लगातार हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक के पास सघन रूप से वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जांच अभियान के तहत खास रूप से उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही थी जो लोग अपने निजी वाहनों पर पुलिस प्रेस या फिर पदनाम का बोर्ड या स्टिकर लगवा कर चल रहे थे। जांच अभियान के दौरान पकड़े गए लोगों के चालान काटने और सख्त हिदायत देने के बाद छोड़े गए। इस दौरान मौके पर महिला पुलिसकर्मी भी मौजूदगी थी, जिससे नियमों को ताक पर रखकर चलने वाली महिला चालकों को भी पकड़ने में सफलता मिली। हजारीबाग से गुलाम अहमद रजा की रिपोर्ट। अभी मैं हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक के पास में खड़ा हूं। यहां पर अभी आपको मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से हजारीबाग के यातायात पुलिस और डीटीओ के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें चेक किया जा रहा है कि किस तरह से लोग कोई दूसरे पदनाम का उपयोग तो नहीं कर रहे हैं, पुलिस प्रेस इत्यादि जो स्टिकर्स होते हैं उसका गलत इस्तेमाल, प्राइवेट व्हीकिलों पर तो कम से कम नहीं किया जा रहा है। हालांकि झारखंड सरकार ने इस पर लगभग 6 महीने पहले सख्त आदेश दिया था, मगर हजारीबाग में अभी लगभग 1 हफ्ते पहले से इस पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सर, क्या कुछ को लेकर के आज इतना सघन रूप से जांच चलाया जा रहा है? जांच तो ही चल रहा है, ये जो ट्रैफिक नियम जो है वो उसके लिए चल ही रहा है, विदाउट हेलमेट विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस पीपल लोग, और बाकी स्पेशली अभी ये चल रहा है जो अनअप्लाइज रूप से जो बोर्ड लगा के जो अभी नया नियम आया है अनअप्लाइज बोर्ड लगा के कर रहे हैं उनके लिए। सर, बोर्ड लगा करके जो खास करके जो पुलिस का लोगो लगा करके लोग चल रहे हैं, पुलिस लिखवा करके स्टिकर लगवा कर चल रहे हैं, और सर एक चीज़ अभी तक हम देख रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से लगभग ये अभियान चलाया जा रहा है, मगर फिर भी अभी तक हजारीबाग के लोग जागरूक नहीं हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? कोई भी चीज़ तुरंत नहीं हो जाता है, तो आप समय लगेगा, चेकिंग किया जाएगा रेगुलर चेकिंग तो समझेगा धीरे धीरे। मगर सर, जो झारखंड सरकार ने इस पर सख्त आदेश दिया था वो लगभग करीब करीब 6 महीने पहले एक बार फिर से नोटिस जारी किया गया था, सख्ती से उसका पालन कराने का पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक नहीं समझेगा तो इसमें क्या हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, हम लोग फाइन देगा, फाइन देने के बाद भी जैसे अभी फाइन दिया कुछ लोग अब फिर विदाउट हेलमेट चले गए, उसको तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया है। अब तक एक अंदाजन क्या, अभी तक कितने तक का चालान कट गया है? अभी आज तक तो अभी शुरू ही हुआ है, कितना हो गया होगा? चार पाँच अभी कटा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इंचार्ज ने कहा है कि हर लगातार यहां पर अभियान चलाया जा रहा है, जो भी पुलिस प्रेस इत्यादि या फिर पदनाम का बोर्ड लगाकर चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, चालान काटे जा रहे हैं, और ये अभियान ट्रैफिक पुलिस और हजारीबाग डीटीओ की तरफ से चलाया जा रहा है। आवाज़ दिल्ली हसी टीवी से गुलाम अहमद रजा, हजारीबाग।